अवज़बिल् मिन शैतानी रजीम बिसमिल्लम रहीदिल् रबालमीन असलात वसलम ख़ाता नबीन नाजिन कराम अल्लाक आज का खसूस प्रोग्राम और मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर नाजिन कराम इर्शाद हुआ कि मोमिन वो है कि जिसको देख कर अल्लाह याद आ जाए और दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान गुजरे हैं कि जिन्होंने अपने अमल से ऐसी मिसालें कायम कि कि जिनको देख कर जिनकी सरत को देख के जिनके किरदार को देख कर लोग ईमान ले आए जिन्हें अल्लाह ताला की वैदानियत पर यकीन आया अल्लाह ताला की जो इस दुनिया में नेमतें हैं इन बुज़ुर्गान दीन की नस्बत से ऐसी शख्सियात की नस्बत से उन पर इंसानों का यकीन क़ायम हुआ ऐसे लोग जिन्होंने अपने क़लम के ज़रिए अपने इल्म के जरिए अपने बयान के जरिए अपने किरदार के जरिए दुनिया में तबलीग दीन का फरीजा अंजाम दिया ऐसे ही बुरजुर्गान दीन में से एक अली तली तरीन मरतबे पर फाइज शख्सियत के तस्करे के लिए आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं ये वो शख्सियत हैं कि जिनको सुल्तानफ़्र कहा जाता है आप फ्र के पाँचवें दर्जे पर फाइज़ हैं आपको सुल्तानुल सुल्तानारफ़िन कहा जाता है कि तसवफ़ और मार्फत की उन मंजिलों को आपने तय फरमाया अपने फ़क्र की बुनियाद पर अपने इल्म की बुनियाद पर अपने किरदार की बुनियाद पर कि जिसने आज दुनिया में आपके किरदार आपके नाम आपकी तालीमत को ताबिंदा और ज़िंदा रखा हुआ है आज दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ तो हज़रत पीर सखी सुल्तान बाहू रहमत के कलाम को पढ़ने के बाद उससे अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए लोग आज भी फैज़ हासिल करते हैं आपने अब याते हु में हु को अल्लाह ताला की ज़ात से नस्बत दी और यह ताल्लुक़ ऐसा क़ायम हुआ कि इस मजमु कलाम में हर मिसरे में हु का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ आज आपका कलाम यानि हज़रत पीर सखी सुल्तान बाहू रहमतल्ल का कलाम दुनिया भर में सुना जाता है पढ़ा जाता है और वो जो फैज़ की महफ़िलें हैं जो तसवु की महफिलें हैं उन महफिलों में जिक्र की महफिलों में इस कलाम को बड़ी अहमियत दी जाती है हम आज तस्करा कर रहे हैं सुल्तानफी सुल्तानलफ़्र हज़रत पीर सखी सुल्तान बाहू रमतल आल का और आज इस तस्करे में हमारे साथ शामिल एक बहुत ही मोहरम और मोज़ शख्सियत जो कि हजरत पीर सखी सुल्तान बाहू रहमतल्ल से वाबस्तगी और इसके साथ साथ आप उस कमेटी का हिस्सा भी हैं कि जो वहाँ के इंतज़ाम और उस इल्म को दुनिया भर में फैलाने का मौजब है आप सजादा नशीन हैं और इसके साथ साथ आप साहिब तरीक़त पीर तरीक़त हैं और हमारे साथ आज तशीफ फरमा है मोहतरम पीर तरीक़त हजरत खालिद सुल्तान सरवरी कादरी और हम आपके और अपनी तरफ से इनको खुश भी कहते हैं असल वालक वरह वा सर आपकी तशीफ आवी का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हम तशीफ लाए और आज आपसे इंतहाई मुफ़ीद गुफ्तु इनशाला होगी जिससे हमदा करेंगे दूसरी शख्सियत हमारे दरमियान बहुत ही मोहतरम बहुत ही मोज़त शख्सियत आप एर वाई से और क्यू टी वी से इनको देखते हैं पसंद करते हैं इनसे सीखते हैं आपने अपने कलम के ज़रिए अपने बयान के ज़रिए हमें आपको बहुत कुछ सिखाया आपके बेशुमार शागिरद हैं जो तहसील इम और तबलीग दिन का फरीजा अंजाम दे रहे हैं हमारे साथ तशीफ फरमा मुफ्ती एहसन नवीद नी साहब, वाशा सर मैं मोहतरम पीर खालिद सुल्तान सरवरी साहब से जानना चाहूँगा हज़रत सखी सुल्तान बाहू की नस्बत से जो आपका जमाने विलादत है और जो ख़ानदानी पस मंज़र है वो क्या है इशाद फरमाइएगा अलनाफुन आलमजाज़न सदक़ ला मौलानज़ीम काबिल क़द्र नाजरन कराम और महतरम जनाब शाहिद भाई असल वरि वा जिस तरह आपने हज़ूर सुल्तान लारफ़ी बुरहानिन कुदरत सालक़िन ज़ुब्दुलाशन हज़रत शी सुल्तान लारफ़ी सुल्तान बाहू सुल्तानफ़्र के मतलब आपने पूछा है आपका जो ख़ानदानी पस मंज़र है आप उनतीस वास्तों से हजूर मौला कैनात हजरत अली उमरत शेर ख़ुदा के औलाद से आते हैं जी। और हज़रत सुल्तानफी सुल्तान, सुल्तान बाहू की विलादत बात यकम रमज़ान मुबारक दस सौ उनतालीस हिजरी को हुई है जी और आप एक बड़े आ, महजब और खानदान में आपकी विलादत हुई आपके वालदी हाफिज़ कुरान थे हा... और सिपा सालार थे हजरत हाफिज बाजेद मोहम्मद साहब की फौज में दादे की फौज है और हजरत सुल्तान आरफीन सखी सुल्तान बाहू की वालदा माजदा बीबी बी रास्ती पाक वक्त की बहुत बड़ी वलिया और दरवेश खातून थी हज़रत सुल्तान आरफीन सखी सुल्तान बाहू की विलादत मुकदस हुई तो जिस तरह तारीख में है कि गौसलवारा पीरान पीर दस्तगीर महबूब इसवानी हजरत शेख सैदा मोहुलद्दीन अब्दुल्कर जीलानी रमज़ान शरीफ के रोज़े बचपन से पैदाइश से रखते थे इसी तरह सुल्तानफी सुल्तान, सुल्तान बाहू भी रमज़ान शरीफ़ में आपकी विलादत हुई तो रमज़ान के रोज़े भी आप न मोलूद बच्चे होकर रखते थे क्या बात ये एक, 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 एक कमाल हजूर सुल्तान बहुत ज़ात मुक़दस हुआ है और हज़रत सुल्तानारफ़ी सुल्तान बाहू चूँकि मादर ज़ात वली हैं और आप उम्मी हैं आप ज़ाहरी किसी उस्ताद से पढ़े नहीं हैं वो जो आ, पेशन गोई हुई भी यही थी आपकी यह। वालदा को खाले रास्ती आपको रब कायनात एक फरजंद से नवाज रहा है जिसका नाम बाहू होगा और वो पैदाइशी तौर पर वली है और इल्म लुधनी का मालिक है और उसकी जितनी भी रहनमाय और तरबियत है वो आपके ज़िम्मे हैं और रब कायनात ने अपने ज़िम्मे ली हुई है और आपने उनको उस तरीके से ट्रीट करना है हज़रत सुल्तान सुल्तान बाहु की जब विलादत बासादत होती है और छः माह के होते हैं और जय छोटा बच्चा है उसको लेकर जब बाहर निकाला जाता है तो जो भी हिंदू काफिर देखता था और देखते ही उसकी ज़बान से कलमा तय जारी हो जाता जाती आपके चेहरे मुकद्दस में ही कमाल था सुभान और जो मुसलमान देखता था तो उसकी उसके अंदर जज्ब की कैफियत आ जाती और वो जिक्र अल्लाह में मशगूल हो जाता हुजूर सुल्तान सुल्तान बाहू का जो सिलसिला है वो कादरी सरवरी है और आप नबी पाक अलैहि वसम से आपकी बैत भी है वो आगे चल के उस पर बात होगी लेकिन मैं, जी हाँ और इसी तरह जो हजूर सुल्तानफी सुल्तान बाहू के ख़ानदान है वो अलवी ख़ानदान है और आवान मशहूर हुए चार। चार। आवान का माना है मददगार हज़रत सुल्तानफी सुल्तान बहू के जो बजुर्ग बजुर्ग थे उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी सादात के साथ और उनके माम रहे हर जगह अहल बैत से आले रसूल की उन्होंने खिदमत की है उनके लिए कुरबानियाँ दिए उनकी मदद की है सुल्तानफी सुल्तान, सुल्तान बाहू को जो खानदानी पास मंजर है वो आलरेडी उन्हीं सखी ख़ानदानों से है क्योंकि आपका पूरा ख़ानदान जितने भी आबादाद गुजरे हैं उनमें क्वालिटी थी एक तो वो बड़े जरी मुजाहिद थे और जंगजू थे और दूसरे नंबर पर सखावत थी यानी आवाम के घर से कोई बंदा खाली नहीं जाता था अली की आल जितनी भी है मौला अली से जो उन्होंने सीखा है वो देना सीखा है जब वो देने वाले बनते हैं सखी बनते हैं अल्लाह पाक भी उन पर करम और फजल फरमाता है और हज़रत सुल्तानफी सुल्तान बहू चूँकि पैदेशी पे, मदरजाद वली हैं और जो मौलिया अल्लाह की तारीफ की गई है उसमें वाह भी और ज़ाहिदी वली हैं एक इबादत और रियाजत से अल्लाह का वली बनता है दोस्त बनता है और एक वो होता है जिस पर आलम अरवाह से कर्म हो और खाले के कायन उसको अपना दोस्त बनाकर दुनिया में भेजे और फिर वो अपने अमल से दुनिया को महव महव कर लें और दुनिया को अपनी तरफ तो आप हाफिज कुरान, कुरान भी पैदायशी थे आप तमाम कोतुब का इल्म जानते थे आपने एक सौ चालीस बुक्स लिखी हैं और हर किताब में आप अगर देखेंगे तो आपने मार्फत रूहानियत तस्व को सामने रखा है इसी तरह फिक्का हो मंतक हो हर हवाले से हजरत सुल्तानफी सुल्तान बाहू को खाले के कायनात ने तमाम से नवाजा माशा माशा मोहरम मुफ्ती एहसनिया साहब हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमत लि नस्बत से आपके जो ज़माने विलादत है ख़ानदानी पस मंज़र है उसकी नस्बत से हमने अभी हजरत साहब से सुना है अब ये फरमाइएगा कि जब बड़े होते हैं तो एक मरहला आता है तलाश मुर्शद का फिर बेत इरादत है फिर जो आपका मकाम तसवफ़ है उस नस्बत से इरशाद फरमाइएगा बसमिल्ला हबीबी महमद वसाब वारक वसल हज़र सुल्तान सुल्तान बाहूरल्ला का जो नाम नामी इसमें ग्रामी बाहू है इस लफ्ज़ बाहू की अगर आप तकलीब करें तकलीब यानी इसको उल्टा करके पढ़ें तो बनेगा वहाब वह हाब अल्लाह तबारक वात का, वा का सिफाती नाम है जिसका माना, माना, है। माना है अता करने वाला क्या बात है तो वहाब अता करने वाले ने हजरत सुल्तान को बाहु बनाया बाखुदा बनाया यानी यानी बा खुदा क्या बात है वह भी आपको अल्लाह की तरफ से आप पे जो खास इनायतें हैं खास फजल अल्लाह का आप पे हुआ कि अल्लाह ने आपके नाम में ही ये बात जारी फरमा दी कि ये बाहू है यानी बा खुदा है तो अल्लाह ने आपको बा खुदा बनाया

गुफतगू के सिलसिले को जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे पर जाते हैं हमारे साथ रहिएगा हाज़िर होते हैं नाजराम एक दफ़ा फिर हम आपके साथ हैं प्रोग्राम में हज़रत सख़ी सुल्तान बाहू रहमत आमारे साथ तशीफ़ फरमा है पीर तरीक़त मोहतरम खालिद सुल्तान सरवरी कादरी साहब और मोहतरम मुफ्ती एहसन नवीद न्याजी साहब जब हम वकफ़े पर गए हैं तो हम ये जानना चाह रहे थे मोहरम मुफ्ती एहसन नवीद न्याजी साहब से और आप फरमा भी रहे थे कि तलाश मोर्श इरादत और जो आपका मकाम है तसवुफ़ में वो क्या है जी तो मैं गुजारिश कर रहा था कि ये दुनिया आलम इसबाब है इसके अंदर हर चीज का एक प्रोसीजर है एक तरीका कार है अल्लाह व की तरफ से असबाब और मुसबाद आपस में मरबूत हैं बाम अब बैत का जो तरीका रखा गया है इस बैत के जरिए तरबियत की कुठाली से गुजार कर अल्लाह तबारक व तला तक वासिल किया जाता है ये अल्लाह का निज़ाम है ये अल्लाह तबारक ने तुल कानून इस दुनिया के अंदर रखा हुआ है अब ये भी फिर दो तरीके से है एक तरी

रूह मुबारक से फैज का सिलसिला जारी होना लिंक अप होना या अलैहि दरबारत से बरा रात लिंक अप होना ये दोनों तरीके दोनों प्रोसीजर इस दुनिया में मौजूद हैं जो पहले वाला तरीका है वो आम है वो सबके लिए है लेकिन जो दूसरा तरीका है रूहानी जिसको मैंने कहा और बात नहीं वो खास है वो रेयर है होता है लेकिन रेयर होता है तो सुल्तान बाऊर सबसे पहले तो आपने जो इब्तदाई तरबियत हासिल की है वो अपनी वालिदा माजिदा हजरत बीबी रास्ती रहमत वो इसमें बामुसम थी इफ्फत का सच्चाई का पैकर थी जैसे उनका नाम रास्ती है ऐसे खुद उनके अंदर रास्ती कूट कूट के भरी हुई थी और उनके अंदर पोटेंशियल और सालाइयत मौजूद थी वैसे तरबियत की लेकिन चूंकि हमारे यहाँ निज़ाम शर् है कि खातून वो वलिया तो हो सकती है लेकिन वो मुर्शद नहीं बन सकती पीर नहीं बन सकती इस बात पर सूफिया का इजमा है तो आपकी वालदा माहदा ने भी इसी बात को पेश नज़र रख कर आपसे ये फरमाया कि किसी मुर्शद से आप ताल्लुक़ कायम करें कोई पीर आप तलाश करें तो आप तलाश करते रहे काफ़ी लंबा अरसा आपने तलाश में गुजारा है बाज रवायात के मुताबिक हज़रत शाह अब्दुलरमान कादरी राह मोहल्ला से आपने बाकायदा बैत की है बाज़ हज़रात उसका इनकार भी करते इनकार हैं कहते हैं कि नहीं, है। नहीं की लेकिन जो है वो अक्सर ये कहते हैं कि आपने उनसे भी अपना सिलसिला बैत कायम किया जाते है ये बात कही जाती है लेकिन ये इसके मुनाफी नहीं है क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग नजर आते हैं कि उन्होंने ज़ाहरी तौर तो पर भी किसी से बैत की होती है और उसके बाद उन्हें दरबार रसालतिसम से भी चुन लिया जाता है इसे नस्बत अवैसिया

आपको बैत फरमाकर मौला अली करम अल्लाह तलाजोल करीम के हवाले से उनकी निस्बत से सयुदाना से गौसे आजम शेख अब्दुल अब्दुलकादिर जीलानी राह के सिपुर्द किया गया तरबियत के लिए तो आपकी रूहानी बैत हुई खुद बरह रास्त हजूर जान आलम सलाम के दस्ते मुबारक पे जिसका इधार आपने खुद भी किया है अपने अशार में आपने बाकायदा फरमाया भी कि दस्ते हुँ। बैत हुँ। कर्द मारा मुस्तफ़ा खानदास फरजंद मारा मुश्तबा कि मुझे खुद हजूर जान आलम सातम ने बैत किया है और उसके बाद अपना रूहानी फरजंद करार दिया है और ये जो रूहानी बैत आपकी वहां पर हुई

आओ, पास, पास, आओ आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, पास, ताकि मैं तुम्हें पहले दिन ही अल्लाह अल्ला से मिला दू अल्लाह से तुम्हारी मुलाकात करवा दू आप उस मर्तबे और मकाम पर फायज हुए आपने कहा ना तसव्वुफ में आपका मकाम एक ये मकाम और दूसरा जो आपने खुद इरशाद फरमाया सुल्तानफ़्र जो आपने मनसब का जिक्र किया है कि सुल्तानफ़्र के मनसब पे सात हज़ार फाइज हुए हैं जिनमें से आपने अपना नंबर बताया पाँचवा पाँचवा नंबर मेरा है इसके बाद आपने फरमाया कि दो मेरे बाद भी आएंगे सुल्तानफ़्र तो ये आपको सुल्तानफ़्र का टाइटल भी बाकायदा अता हुआ आप सुल्तानफीन भी हैं सुल्तानलफ़्र भी हैं और सीधोना सुल्तान बाहू राहल्ला ने एक बहुत प्यारी बात खुद ये इर्शाद फरमा रखी है कि जिना इश्क हकीकी या अलावत हू हु। जिन्हें हकीकी मिल जाता है तो वो जबान से नहीं बोलते नहीं ओ, उनका कलर जिक्र फिक्र हमेशा रहते हैं और, पासी करते हैं। और नफसी कलबी रूही अखा खफी कमावन हूं मैं कर्बान तिना जड़े हिगा जीवावन हूं कहते लत है रूह के मैं उन हस्तियों पर कुरबान हो जाऊँ

खूबसूरत और वजादार शख्सियत के मालिक थे माशा आपका सर मुक़दस न ज़्यादा गोल और न ज़्यादा लम्बा बराबर था हमेशा आप सर मंडवाया करते थे आपके भवें मुबारक और पलकें जो थी मोटी मोटी और घनी थी और आपके चेहरे का जो रखसारों का गोश्त था ना ज़्यादा उभरा हुआ था और ना ज़्यादा कम था लेकिन गोश्त नज़र आ रहा था आपकी हड्डियाँ जो थीं वो बड़ी थी और उनके ऊपर गोश्त बराबरी के हिसाब से चढ़ा हुआ था ना आप मोटे नज़र आते थे और मतलब ना ही ज़्यादा स्लिम नज़र आते या। थे, थे। आरफिन का शिक् में मुक़दस जो था वो बाकायदा जुड़ा हुआ था अपने वजूद के साथ पेट निकला हुआ था आपकी छाती मुबारक बड़ी कुशादा थी और आपके दंदा मुबारक बहुत बराबर और बारीक और सेट हुए हुए थे लब्यान मुबारक बहुत खूबसूरत और हसीन थे चेहरे मुकद्दस जो था चमकदार था और आपकी आंखें मुबारक जो है उनमें ब्लैक और वाइट ज़्यादा नज़र आता था और जो वाइडनेस के अंदर आपके रंगों के अंदर ब्लड जो नज़र आता था सुर्खी, सुर्खी माल थी, थी। वह आपके जलाल और जज्ब में जज्ब में रहने की वजह से वो नजर आता था हजूर सखी सुल्तान सुल्तानफी सुल्तान बहू के उंगलियां जो थीं वो आ, ना ज़्यादा बारीक थी ना ज़्यादा मोटी थी लेकिन लंबी सी नज़र आती थी और आपका जो वजूद मुकदस था वह सांवले कलर के साथ मुशाबहत रखता था आपके रीश मुक़दस बाशरा थी सुन्नत के मुताबिक थी और जब आप 60 साल के हुए तो उसके बाद आप मेहंदी लगाया करते थे लेकिन ज़्यादा ये था कि आपके बाल मुबारक कम सफेद थे और ब्लैक ज़्यादा थे जबकि इकसठ साल आपकी उम्र जी तिरसठ साल, साल तिरसठ अच्छा, अच्छा, साल आपने उम्र पाई है और आके पाक सल्लासम की उम्र मुबारक भी तिरसठ सुल्तार की हज़रत सल्दा आरारफ़ी के अखलाक आपकी आजी आपकी इंकसार ये है लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि मकाम फक्र में जब सुल्तान लारफी बने और सुल्तानफ़र बने आरफ़ बहुत हैं हैंारफ़ों का सुल्तान एक है वह सुल्तानफी है ये, ये, और ये, इसी तरह सुल्तानफ़्र की मंजिल वो है कि रब कायन की तरफ से आवाज़ आए अल्लाह पाक फरमाते रूमी सुल्तानारफ़ी फरमाते हैं कि हाम हुआ ए सुल्तान बहु तो आशिक माई तो मेरा आशिक है फकीर अर्ज अजमूद तोहफ़ी के इश्क निस्त। इस फ़कीर को तोफ़ी के इश्क नहीं है तेरा इश्क कर सके क्या बात है किसी ने, जी ने जी पूछा जी के साई आपने इश्क से क्यों जवाब दिया आपने फरमाया लोहा हुए प्या कुटीवें ता तलवार सदी में हो मेहंदी वांग प्या घुटीवें ता तली महबूब रंगी में हो हु। कंघी वांग प्या चिरीवें ता जुल्फ महबूब फिरी में हो कपाह वांग प्या पिंजीवें ताँ दस्तार सदी में हूँ आशिक सादिक थी में बाहू तँ रस प्रेम द पी में हूँ हु। इसमें कई मराहल से गुजरना पड़ता है इसलिए मैंने कहा मैं आपका इश्क कर सकूं ये बहुत बड़ा मरहला है तो खाले के कायनात की तरफ से आवाज़ आता है अहे ए फ़कीर बाहू तू माशूक ए माई क्या तू अगर आशिक नहीं बन सकता माशूक तो बन सकता है तू मेरा माशूक है तो सुल्तान आरारफ्र सही सुल्तान बाहू इस मंजिल पर थे कि खाले के कायनात ने उनको अपना माशूक बनाया लेकिन उनकी आजी उनकी इंकसारी उनकी मोहब्बत उनका इखलाक ये था कि जो आपकी मजलिस में बैठता वो आपका गर्वीदा हो जाता और जो आपके सामने आता वो बोल तो ना पाता लेकिन उसका कल्ब जारी हो जाता क्या बात और कल्ब कल भी कैफियत उनकी जारी होकर इसमें अल्लाह ज़ाद अल्लाह का जिक्र उसमें कि आओ मैं तुम्हें जारी हो जाता लेकिन लम्हे में मैं तुम्हें खुदा रसीदा कर दूँ हजूर बादशाह सल्लफ़ीन सुल्लान बाहू की आजी का ये आलम है कि सारी रात अल्लाह की इबादत फरमाते और दिन को कैलूले के तौर पे कहीं लेटते तो एक दरख्त के नीचे लेटे हैं मजूसियों का एक काफिला जा रहा है आप उनका हद देखें आज ही की मजूसियों ने जाना था अहमद नगर तो उन्होंने आकर लात मार के आपको जगाया अच्छा नफरत से मजूसी थे मुसलमानों से और बादशरा लोगों से वैसे ही उनको नफरत थी उन्होंने जैसे लात मारी सुल्तान आरारफीन की आँख खुली और आपने उसका पाँव पकड़ के कहा बेटा तेरा पाँव बड़ा नरम है मेरा जिस्म सख्त है अगर तुझे तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ़ करना फौरी तौर पर वो कदमों पे घिर गया और उसने कहा हजूर गलती मेरी है मैंने आपको लात मारी है और मुझे आप नबी के आप, आप सुन्नत पे चलने वाले हो जिसका उम्मती का ये आम आलम है उसके नबी का क्या आलम होगा मुझे कलमा पढ़ाएं और दीन इस्लाम में दाखिल जो देखता थी था आज जीती जी ईमान लिया ईमान लिया हजूर सखी सुल्तान आरफीन सखी सुल्तान बाहु एक दफ़ा तशरीफ़ लेके जा रहे हैं तस्बी हाथ में है वृद्ध करते हुए दरिया के करीब चनाब दरिया वहाँ पड़ता है तो वहाँ देखा कि एक बिच्छू जो है वो डूब रहा रहे बड़ा हाथ पाँव मारा है निकलने के लिए लेकिन बच नहीं पा रहा आपने हाथ बढ़ाया और उसको बाहर निकाला बिच्छू को बिच्छू को जब बाहर निकाला तो बिच्छू की तो आदत है वो डंग मारता है।, है जैसे वो थोड़ा रिलैक्स हुआ उसने डंग मारा आपको दर्द हुआ तो आपने झटका वापस वो गिर गया फिर आपने दोबारा उठाया फिर उसने डंग मारा फिर से बारा उसने डंग मारा और आपने फेंक दिया इस तरफ ताकि पानी में ना गिरे तो दरवेश जो साथ था उसने पूछा हुजूर वो तो बार बार डस रहे और फिर भी आप उसको बचा रहे आपने फरमाया बेटा उसकी फितरत है डसना मेरी फितरत है बचाना मैं बचाऊंगा वो बेशक डस्ता रहा है वो अपने अमल से बाज नहीं आएगा मैं अपने अमल से बात तो नस्बत सी मदद करने वाले हैं ये आपका अमल था और ये आपकी खासियत थी और आपके अंदर एक ऐसा कमाल था कि आपने 21 लाख काफरों को अपनी लाइफ में लिया सुबह नाजिन क्राम हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमत आ तस्करा चल रहा है एक छोटा सा वकफ़ा दरमियान में हाइल है हमारे साथ रहिएगा हाज़िर होते हैं नाज इक्राम खुश आमदेद कहते हैं आपको प्रोग्राम हज़रत सुल्तान बाहू रहमत ला ले में हमारे साथ तशीफ फरमा पी तरीकत मोहरम खाली सुल्तान सरवरी क़ादरी साहब और हमारे साथ तशीफ़ फरमा मोहतरम मुफ्ती एहसन नबी न्याजी साहब मैं मुफ्ती साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमत की कई तसनीफ़ हैं और इन तसनीफ़ की खसूसियात ने ही इनको कबूलीत आम बख्शी है बल्कि इनका मकाम और मरतबा भी बहुत ज़्यादा है तो जो इल्म इन में मौजूद है जो खसूसियात इन तसनीफ़ में हैं उनकी नज़र से इशायद फरमाइएगा शायद भाई हजरत सुल्तान सुल्तान बाऊर के जब हम कतुब तस्करा उठाते हैं तो तस्करा निगारों ने सवान निगारों ने आपकी किताबों की तादाद के हवाले से ये बात बयान फ़रमाई कि आपने तकरीबन एक सौ चालीस कुतुब ताली फ़रमाई है उन एक सौ चालीस में से तकरीब तीस मतबूा हैं छपी हुई हैं सारी जो है पब्लिश नहीं हो सकी, कुछ पब्लिश हैं तीस के करीब तो उनमें बाद तानीफ तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं जैसे कि जिसका देकर बार बार अभी हज़रत पीर साहब भी कर रहे थे रिसा रूही शरीफ बहुत मशहूर है आपका इसी तरह अकल बेदार के नाम से आपकी किताब है मेहकुलफ़कर के नाम से है आनफ़कर के नाम से है इसरार के नाम जाम उसरार के नाम से जो है वह आपकी तसनीफ़ लतीीफ़ है मुजाला सतुलनबी सल्लाम इस नाम से अलगरस बहुत सारी आपकी किताबें हैं और जब हम आपकी इन कतुब को देखते हैं तो जो इसमें मरकजी ख्याल आइडिया जो 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 बहुत आपने जोर दिया है नमूद की नहीं होनी चाहिए बंदे को अच्छा। फकीर तो फकीर होता है ना तो सुल्तान है इसलिए वो फक्र की तरगीब दे रहे हैं फक्र की तालीम दे रहे हैं तो एक नुकता में उसमें यह नजर आता है बड़ा जोर दिया है ज्यादा नाम नमूद की ख्वाहिश इंसान को नहीं होनी चाहिए सही बात है। दूसरा नुकता आता है तर्क दुनिया।, दुनिया को तर्क करने पर भी आपने बड़ा जोर दिया है और बल्कि आप तो क्या जुमला तो बड़ा ही मशहूर है और आपकी कई किताबों में वो मौजूद भी है कि जो दुनिया का तलब गार हो उसको आप मुखनस करार देते हैं अच्छा आप कहते हैं जो आखिरत का तलब गार है फ़कत आखिरत का वो औरत है जो दुनिया का तलबगार हो फकत दुनिया का वो मुखन्नस है और जो दोनों का अल्लाह का तलबगार हो अल्लाह हाँ। का अल्लाह की रजा का अच्छा, वो मर्द है तो यानी चूंकि सूफिया जो है उनकी नजर तो अल्लाह पर होती है ना तो कहते हैं अल्लाह से बेलॉस मोहब्बत होनी चाहिए क्या बात? अगर कोई आखिरत के लिए मोहब्बत अल्लाह से करता है तो वो भी शरीय में बजा है उसका भी इनकार नहीं है लेकिन वो कहते हैं इससे भी आला दर्जा यह है कि अल्लाह से मोहब्बत बेलॉस अल्लाह की रजा के लिए हो वो हमारा खालिक है वो हमारा मालिक है वो हमारा माबूद है वो हमारा रजाक है उससे मोहब्बत होना चाहिए जोर दिया है तीसरा तो नुकता में नजर आता है शरीय पर हर सूफी ने ही जोर दिया जोर दें उन्होंने भी इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया बल्कि आपका तो एक फारसी शेर है, कि हर मरातिब अज शरीयत पेशवा शेर को बना लिया है अब ये देखें ये बात कौन रहा है। ये खुद अपने दौर में सूफिया के सरदार है फकरवालों के सरदार हैं फकीरों के सरदार

फकीर फकीर बन नहीं सकता जब तक शरीयत को अपना पेशवा न बना ले तो शरीयत की रहनुमाई की हाजत फकीर इल्ला ये बंदा जो है मजहूब हो जाए किसी की अकलोत जाल लेकिन जो होशो हवास के आलम में शरीय नुकता जोर दिया बिलखसूस अल्लाह के

सबसे माशाल्लाह माशाल्लाह हजरत आपका जो कलाम है अशार हैं आपकी शायरी है ये जबाँ ज़द है और दुनिया भर में लोग इससे फैस भी हासिल करते हैं कोई तसवुफ़ के जिक्र की महफिल जहाँ पर ये कलाम पढ़ा जाए या सुना जाए उस महफ़िल का रंग कुछ और ही होता है इसकी निसबत से फरमीए हजूर सही सुल्तान सुल्तान बाहू ने दो कलाम बयान फरमाए हैं अबियात बाहू के नाम से Yes. और फारसी जबान में कला में बाहू के नाम से yeah. और आपका जो अब्यात बाहू है वो मैं तो दुनिया के किसी भी कोने में गया हूँ मैंने सुना भी है और लोगों को उसमें महव भी देखा है हुँ. उसकी मेन वजह यह है कि आपने अपने कलाम में सबसे अहम जो नुकता है वो ये है कि आपने हु हुँ. हु को बड़ी अहमियत दी है हुँ. और हु क्या है अल्लाह पाक का नाम है हुँ. और हु का माना क्या है नहीं कुछ नहीं सवाए सिवाय उसके कुछ नहीं हु का समा है कुछ नहीं और हुजूर सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू ने जब हु की लहर अपने अब्यात में छोड़ी है उससे इतना कश्फ आया है उसमें इतनी जाज़बियत आई है उसमें इतना सरूर और कैफ आया है कि दुनिया उस पर झूम जाती है अब देखें कोई भी है नहीं जानता पंजाबी या की से वाकिफ नहीं है लेकिन जब कलाम बाहू पढ़ा जाता है तो वो भी झूम जाते हैं ये फैज़ है अल्लाह पाके इसमें मुक़दस का और हजूर सुल्तानफी सुल्तान बाहू ने अपने अब्यात में कुरान मजीद का तर्जमा किया है जैसे आपका एक बैत मुक़दस है कि आप फरमाते ਹੋਰ ਦਵਾ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਰੀ ਕਲਮਾ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਰੀ ਹੂ ਕਲਮਾ ਦੂਰ ਜੰਗਾਲ ਕਰੇਂਦਾ ਤੇ ਕਲਮੇ ਮਹਿਲ ਉਤਾਰੀ ਹੂ ਕਲਮਾ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰ ਤੇ ਕਲਮਾ ਹਟ ਪਸਾਰੀ ਹੂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੂਹੇ ਜਹਾਨੇ ਬਾਹੂ ਕਲਮਾ ਦੌਲਤ ਸਾਰੀ ਹੂ ਔਰ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਾ ਬਿਜ਼ਿਕਰਿਲਲਾਹ ਤਤਮੈਨੁਲ ਖੁਲੂਕ हुँ और हुजूर सुल्तान आरफी ने सलीस ज़बान में लोगों को समझा दिया है कि, कि तुम्हारे लिए दोनों जहान की नमत जो है वो कलम पाक का जिक्र है और एक आयता हुआ नबी याजी आमन वसलम तस्लिमसलीसिन महद्दिन वाल्मिल्वल महुद्दीन मुबारिक वसिनत सखी सुल्तान बाऊ फरमाते हैं कि बेबिसम्ल इस मलादा आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कैसे तर्जमा रहे बे बेबिसम्ला इस मलादा ए भी गहना भारा हो नाल शफ़ात सरवर आलम छुट सी आलम सारा हो हदू बेहद द्रूद नबीते जेंदा एड पसारा हूँ मैं कुर्बान तिन्हा तो बाहू जिना मिलिया नबी सुहरा हो और हजूर अल्लाह पाक का पाक कलाम है कि नहनो अक्रबिन हबलरीद मैं हर ज़ी रू खे बि करीब हूं और हज़रत सुल्तानू फरमाते खे सीने में कंदा साम्हूं गल मुरशिद सम्झाई हुयो साह जहिड़ा आवे जवे होर नकाई हुसू इस मुलाज़म आखनि इयो सिर इलाही हूं इहो मौत हयाती बहू इयो भेद इलाही इन अल्लाह पाक के कलाम को हज़रत सुल्तानफी सुल्तान बाहू ने अपने अभ्यात में ऐसे ढाल के बयान किया है कि इस वजह से भी उसका असर ज़्यादा होता है जिस भी बज़ में जाएँ जिस भी महफिल में जाएँ सुल्तान सुल्तानफी सुल्तान बाहू के अभ्यात ही लोगों को महव करते हैं और हदीस पाक है कि क्लूबुलमोमिन अर्श अल्लाह मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है और हज़रत सुल्तान बाहू क्या फरमाते हैं कि ए तन रब सचेदा हुरा विच पा फकीरा जाती हूँ न कर मिन्नत ख्वाज हिजर दी तेरे अंदर आब हयाती हूँ शौक द दीवा बाल हनेरे मतन लभे यार खड़ाती हूँ मरण तू अगे मर गए बाहु जिन्हें हक दी रम्स पिछाती हूँ जिन्होंने हक के राज को जान लिया है वो मुँह तू अंत मुँह का मिस्ताक बन जाता हुँ। हुँ। है ये आपका दर्स है और इसी वजह से आपका ये कलाम पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं कि आपने अल्लाह के कलाम का तर्जुम फरमाया माशाल्लाह मेरे पास मुफ्ती साहब एक से डेढ़ मिनट है और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप हजरत के विसाल और मजार मुबारक की निजबत से इरशाद फरमाइएगा एक हजरत का विसाल यकम जुमाद अल उखरा 1102 सन हिजरी में हुआ और मुबारक तकरीबन 63 बरस थी आपकी और जिस जगह आपका विशाल हुआ वहीं आपकी तदफीन हुई है वहीं आपका रोज़ा मुबारक है वो जगह है जंग की तहसील है शोरकोट शोरकोट के में जो दराए चनाब के मगरबी किनारे पे इलाका है कस्बा है गढ़ महाराज उसके करीब जो है गांव है जो अब मौजे सुल्तान बाहू के नाम से जाना जाता है वहीं पे आपका मदार अक्स मर जलायक है आपने खुद एक बात फरमाई थी सुल्तान बाहू साहब ने कि नाम फकीर तिना बाहू कब्र जिना दी जीवे हूँ आपका मदार मुकदस भी हमें आपके इसी मिसरे की जिंदा तस्वीर नजर आता है कि आज तक वहां से लोग फैज हासिल कर रहे हैं मखलूक खुदा फैज़ याब हो रही है और क्यामत तक इन शाह होती रहेगी और आपकी खुतुब का जो जिक्र है एक उसके हवाले से वजह यह कर दूं कि आपका जितना कलाम है किताबें आपकी तकरीबन फारसी जबान में है एक एक दो रसायल को छोड़ के बाकी सारे आपके फारसी जबान में रसायल थे किताबें थी और उनके में से जो छपी हैं उनके तर्जे उर्दू तर्जे भी छप चुके हैं और आपका दीवान जो है उसमें फारसी और पंजाबी दोनों कलाम मौजूद हैं इसमें से ज्यादा मशहूर जो है फारसी कलाम का लोगों को कम मालूम है ज्यादा मशहूर जो है वह अबियात बाहू हैं जो पंजाबी वाला आपका कलाम है वो ज्यादा मशहूर है लेकिन आपका फारसी कलाम भी कम मौसर नहीं है उसका भी मुताल करना चाहिए माशा माशा बहुत शुक्रिया मोहतरम हजरत खालिद सुल्तान सरवरी काजी साहब और बहुत शुक्रिया मोहतरम मुफ्ती ऐसे नवीद नजी साहब नाजिन कराम आज हमने एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत और वलील हज़रत साख सुल्तान बाहू रहमतल का तस्करा किया आपकी हयात मुबारका की नस्बत से जाना और आपके कलाम और आपके बयान की नस्बत से जाना असल में ये जो ताल्लुक़ और नस्बत बनती है बुज़ुर्गान दिन से इंसानों की वो रूहानी फैज़ के लिए बनती है ये वो रूहानी फैज़ है कि जो हकीकाता इंसान को एक लम्हे में उसके अल्लाह से मिला देता है और हमने ये देखा कि दुनिया भर में जो तस्करा भी हुआ कि पंजाबी ज़बान में अबियातें हु या फारसी ज़बान में कलामें हु दुनिया भर में इन जबानों को जानने वाले लोग भी और जो इन जबानों से वाकिफ नहीं हैं वो भी जब इन महफिलों में बैठते हैं तो ज़िक्र के उस मरतबे पर तसवफ़ और मार्फत के उस मरतबे पर पहुँच जाते हैं जहाँ हज़रत सखी सुल्तान उन्हें उनके रब से मिला देते हैं अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और इस फैज को पाने के लिए इस फैज को हासिल करने के लिए अपने और मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा शायद मसरू को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज